द सर्किट शोन इन द फिगर करंट इन द इंडक्टर इज 0.8। ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत सर। व्हाट द सर्किट शोन इन द फिगर करंट इन द इंडक्टर इज 0.8 एम्पियर व्हाइल इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। फाइंड आउट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो इस सोर्स से करंट कितनी आएगी? ठीक है, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? आपकी सोर्स करंट कितनी होगी? आपको बोला इस करंट की, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहाँ पूछो सर, पता कैसे पड़ेगा कि डीसी बैटरी डीसी सोर्स है या फिर अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन? ठीक है, तो कैसे पता पड़ेगा? ये सोर्स का साइन देख के, ये किसका सोर्स है? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, कोई बैटरी जुड़ी नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर करंट इन द इंडक्टर इज 0.8 एम्पियर एंड व्हाइल इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, देन फाइंड आउट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। कौन बताएगा जल्दी? सब तक आंसर आ जाना चाहिए था, डिले कर दिया। नहीं नमन, नहीं, वन नहीं आएगा। यान मिस्टेक कर रहे हैं, भारी मिस्टेक जिसे कहते हैं वो करिए आपने। हाँ, योजना का आंसर एग्जैक्ट है सर, उसे रूट टू से मल्टीप्लाई कर देगा। देखो सब गलत बता रहे हैं। नहीं नहीं रूट टू से नहीं, ये धर्मांश उत्साह सब अयान वाला आंसर बता रहे हैं, लाइन से गलत कर रहे हैं। आशीष जांगिड़ का ठीक है आंसर बिल्कुल, ये वैक्टर जोड़ना नहीं जानते इसका मतलब। उत्सव धर्मांश ये सब वैक्टर जोड़ना नहीं जानते, जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं। मेहुल का ठीक है, भानु नहीं, मानो मिस्टेक क्यों कर रहे हैं यार, प्लस माइनस ढंग से करो। 0.4 आएगा या 0.8 0.6 को सब्ट्रैक्ट करो। बाकी के ठीक है, सचिन का, विनय का, धर्मांश का ठीक हो गया, मनीषा का बहुत एग्जैक्ट है, मनीषा दो तीन बार से बहुत एग्जैक्ट आंसर दे रही है। उत्सव का ठीक है, मुरांश का ठीक है। अरे सीधा ही तो यार, वही तो बता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ इसमें सीधा सा मैं। आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू नहीं बताया गया? पाई एंगल आ जाएगा तो हम, हाँ, इसको मानो साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट की फेज क्या आएगी? इंडक्टर है, लैग कर जाएगी। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आई, इसमें क्या आएगी? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आई। और फिर दोनों को वेक्टर को करोगे तो एक ही लाइन के अलोंग अपोजिट नहीं आ जाएंगे क्या? सीधा सा आंसर एक ही लाइन का, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन। और अभी देखना 95% बच्चे गलत करें भी मेंस में आ जाए, उनको नहीं पढ़ते ना, ऐसे पढ़ते ही नहीं है। आई वन इज इक्वल टू आई वन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आई टू कितना आ गया? आई टू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसमें दिक्कत है क्या? इसमें करंट क्या करेगी? लैग करेगी, इसमें लीड करेगी। तो आई वन लीड कर गई, आई टू लैग कर गई। अब इनको जोड़ के लिखना है आपको, तो फिर से वही बात, ये वैक्टर कैसे बनाओगे? बीच का फेस डिफरेंस कितना? पाई एंगल नहीं आ गया क्या इनका बताओ? इनका एंगल 180 डिग्री नहीं आ गया क्या? Yes, sir. एक आई वन नॉट है, एक आई टू नॉट है, दोनों के बीच का एंगल पाई है, तो एडिशन वेक्टर एडिशन कितना होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ये माइनस ठीक है, तो कितना हुआ? अब ये देखो पीक वैल्यूज में रिलेशन आया, पाई रूट टू कर दो दोनों तरफ, तो आरएमएस वैल्यू में भी वही बन जाएगा। इसमें क्या, तो सब तरफ रूट टू से डिवाइड कर दो। देखो नमन अभी मिस्टेक करी है आपने भी, देखो ध्यान से वैक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे। क्लियर है नमन? मिस्टेक आपको इस क्वेश्चन में बेटा। हाँ सर। अरे आयुष क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या यार? अच्छा आयुष दो आईडी से है, ओके। क्या सर? आप दो आईडी से लॉगिन हो ना? नहीं सर, एक सी हूँ मैं। नीचे भी आपका नाम दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है सर? मैं अच्छा मेरे पुराने सिम हटानी होगा शायद। एकदम बात वेक्टर्स बना के करना है, प्रॉपर साइन फंक्शन लिख लीजिए दोनों करंट के, फिर देखिए आप कैसे है? एक ही साइन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर कैसे ऐड हो रहे हैं, उनके बीच के एंगल्स प्रॉपरली उनके फेस डिफरेंस से निकाल के बनाइए, तो 0.2 एम्पियर आ। ठीक है, किसी को डाउट इसमें तो पूछ सकता है बिल्कुल बेटा एकदम, बट आंसर सही आने चाहिए सब। अरे ध्रुव का डिस्कनेक्ट हो जाता है यार।